पास तीन कार्ड्स है, 1, 2 एंड 3, सो बोलिए चूज करिए। नंबर सॉरी, थ्री नंबर 3 नंबर। ओके ओके, सोल रिट्रीवल, आपका कार्ड आया है सोल रिट्रीवल। आपके पास में कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है क्या? ये आपका कार्ड है सोल रिट्रीवल। ओके, लेट मी टाइप माय फोन नंबर टू हर। तो आपका कोई ऐसा हुआ है क्या, पास्ट में कोई ट्रॉमेटिक पास्ट हुआ है आपका? हुआ तो है मम, पर ऐसा कुछ पता नहीं आप क्या कहना चाहती है, समझ में नहीं आया मुझे। मैं बताती हूँ सोल रिट्रीवर क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज, सोल रिट्रीवर उन लोगों के लिए आता है जिनकी सोल इस जन्म से नहीं, पिछले कई जन्मों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है। इवन इन लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई बहुत मारपीट या ब्लैक मैजिक या बहुत ज्यादा ट्रॉमा लाइफ में मिला हो, जब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हो तब भी उनको कुछ ना मिला हो, तो आपका सोल जो है ब्रेक हो जाता है। तो आपकी जो खुद की पावर होती है ना, विच इज देयर विद इन यू, इट बिकम्स वेरी वीक। सो जब आप सोल रिट्रीवल एक्सरसाइज होती है, ये सोल रिट्रीवल एक्सरसाइज शामनिज्म में होती है, एक्चुअली बहुत पावरफुल होती है शामनिज्म में। लेकिन जब ये सोल रिट्रीवर एक्सरसाइज आप गॉडेस आइसिस के साथ करोगे तो इट इज अगेन गोइंग टू बी सेम पावरफुल। ओके, आपकी उतनी ही पावरफुल आप एक्सरसाइज आप कर पाओगे। और यहाँ पे क्या होता है, अपनी सोल को आप लाइट देते हो और उसको पूरा कंप्लीट करते हो। ओके, और कंप्लीट करने के बाद आप उसको अपने अंदर इंटीग्रेट करते हो, अपने अंदर लेते हो, सो दैट आपको पावर बढ़ जाती है। लेकिन इसका एक पूरा प्रोसेस होता है और ये थोड़े दिन तक आपको करना होता है, जैसे 7 डेज टू 11 डेज। तो जैसे मैं कार्ड खोल के अब बोलूंगी कि अच्छा चलो आप 7 डेज करो या 11, कुछ कार्ड्स में आपको मिलेगा कि कितने दिन तक करना है, कुछ कार्ड्स में आपको बताया जाएगा कि जब तक कि आपका ये चीज ना हो जाए या कोई एक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए लाइफ का, तब तक आपको ये करते रहना है। तो सोल रिट्रीवल से मेरा मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अंदर काफी वीक हैं और आपको ये एक्सरसाइज जब आप करोगे तो आपके अंदर काफी पावर आएगी, तो सोल आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस जन्म में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को आप आसानी से निकाल पाओ, या फिजिकली मेंटली या इमोशनली आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस चीज को निकाल पाओ, उसको हील जी कर पाओ। सो उसका जी पूरा प्रोसेस होता है सोल रिट्रीवल का, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है जो हम अभी करेंगे थोड़ा वन पार्ट, सबके लिए करवाऊंगी क्योंकि हम सबकी सोल डैमेज होती है हर बार, हर जन्म में हर तरह से होती है, क्योंकि सबको ट्रॉमास होते हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, सब बहुत रोए हैं, सबके साथ किसी न किसी ने बुरा व्यवहार किया है। तो सोल हमारी टुकड़ों में जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो सबको एक्चुअली एक बार लाइफ में सोल रिट्रीवर करना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ हर 2, 3, 7, 4 साल के बाद एक बार ये एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। तो वो मैं आपको अभी करवाऊंगी एंड ऑफ द सेशन। और अभी आशा जी यस मैम, आप बताइए, आप 1 और 2, दो ही बचे हैं। मैम वन ओके, क्वीन ऑफ हेवन। देखो, एक तो ये क्वीन ऑफ हेवन मुझे ये बोल रही है कि आपने अपनी पावर्स नहीं देखी हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको ब्लेसिंग्स हैं मगर वो ब्लेसिंग्स आप लेते ही नहीं हो, मतलब आप उस बारे में सोचते ही नहीं हो कि मुझे ये ब्लेसिंग्स चाहिए या मैं ब्लेस्ड हूं, ऐसा आप सोचते ही नहीं हो। जबकि भगवान आपको ब्लेस करने को तैयार है, आपको आशीर्वाद देने को तैयार है, बट आप उस तरह से सोच ही नहीं रहे हो। अगर सोच भी रहे हो तो बहुत थोड़ा, या कहते हैं ना कि मेरी आवाज भगवान तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि मैं इतनी अंदर से टूटी हुई हूं कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं रही। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम ये कार्ड अपने आप में ये बताता है कि आपके साथ, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो,
आपकी जो फेमिनाइन पावर है उसको आपको जगाना है। देखिए कितना सही कार्ड आपके लिए आया है, मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में जानती हूँ तो उस हिसाब से मैं ये देख रही हूँ कि ये आपका जो ये कार्ड आया है बहुत सही आया है। ये कार्ड अगर किसी आदमी का भी आए तो भी और किसी औरत का आए तो भी, उनके फेमिनाइन साइड को जगाना होता है। और आप लोग एक्चुअली लीडर्स होते हो, तो क्या होता है जब ज्यादा पावर होती है तो लोग ज्यादा दबाते हैं आपको, तो जब तक आपके ऊपर किसी गॉड या गॉडेसेस का ब्लेसिंग नहीं होगा तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है मैम, तो अगर आपको आगे बढ़ना, हाँ जी मैम, फिर क्या करना पड़ेगा आगे, स्टेप नेक्स्ट स्टेप के लिए? मैसेज है पूरा जिसमें आपको गॉडेस आइसिस के साथ मेडिटेट करना है, और उसका एक तरीका है जिसमें कैंडल्स जला के आपको मेडिटेट करना है। बहुत सारी लाइट आपके आसपास होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। आप शायद सनलाइट में ज्यादा जाते नहीं है क्या? नहीं मैम, एक्चुअली मुझे माइग्रेन है तो मैं जाती नहीं हूँ धूप में। वही तो कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि लाइट से कुछ तो प्रॉब्लम है आपको। तो गॉडेस बोल रही है कि जब मैं प्रोटेक्ट करूँ आपको तब आप लाइट में बैठो, तब आपको पूरा ये आपका जो कनेक्शन है ना गॉडेस या फेमिनाइन एनर्जी से होगा, क्योंकि गॉड आइसिस इज अ मदरहुड, यू नो, मैरिज और आपका मैजिक, अबंडेंस, सब चीज के लिए तो है। तो इनमें से किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे मेडिटेट करना ही है। गॉट इट? राइट मैम, गॉट इट मैम। हाँ, तो आपको लाइट के साथ मेडिटेट करना है। आपको सनलाइट को डायरेक्टली मत देखिए, आप जैसे विंडो के सामने बैठ के भी सनलाइट में मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन ये पावरफुल तभी होगा जब आप इस पूरे प्रोसेस को समझ के और गॉडेस आइसिस के साथ आपका जब अट्यूनमेंट हो जाएगा तब आप उसको करेंगे, तो आपको बहुत बहुत अंदर से चेंजेस और बहुत पावरफुल महसूस होगा। ओके, राइट मैम, राइट मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। सो प्रवीण जी, आप एक मेल को ले ही लेते, सारे फीमेल्स रहे हैं अभी तक। प्रवीण जी, जी मैम, अब आपका नंबर टू का कार्ड आपका ही बचा है, मुझे नहीं पता उसमें क्या है। डेट ऑफ बर्थ भी दो ही है मैम। जी, दो ही नंबर डेट ऑफ बर्थ भी दो ही है मैम। द ब्रदर इन डार्कनेस, आपके भाई है कोई? हाँ, दो है मैम, छोटे भी बड़े भी। अच्छा, तो आपके ब्रदर को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी भी एक ब्रदर को कोई हैबिट या कोई कुछ चीज, कोई नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसा है क्या? मैम हमें फील तो होता है इस चीज का कि है। हाँ, तो उनको ना वो डार्कनेस में कहीं कुछ तो गड़बड़ है उनके स्पेस में, तो आपको उनको वहां से डार्कनेस में से निकालना है। तो सबसे पहले क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया है तो आपको मेडिटेट करना होगा। जब ये कार्ड आता है ना तो एक्चुअली आप डार्क रूम में बैठ के एक से कैंडल जला के मेडिटेट करते हो और आप गॉडेस आइसिस से पूछते हो कि भाई क्या है, क्या नेगेटिव एनर्जी है जिसको मुझे हटाना है, बिकॉज वो आपके ब्रदर है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आता है, करेक्ट? जी जी। तो अगर आपके ऊपर वो इम्पैक्ट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इम्पैक्टेड हो, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ तो गड़बड़ लग रही है या उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है फैमिली में, तो गॉडेस जो है आपको ये बता देंगी कि आपको क्या करना है जी। और कैसे इस निगेटिविटी से बाहर आना है। सो मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई निगेटिविटी है आपके ब्रदर के साथ। जी जी, ठीक है ना? हमें भी लगता है मैम, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे उसमें। नहीं नहीं, आप कर पाएंगे, इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है ये कार्ड में। अगर आप क्लास में आते हैं तो आपको पूरा नोट्स मिलेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, क्लास तो ज्वाइन करूंगा मैम, मैं क्लास तो करूंगा मैम। हाँ, तो क्लास में जब आप आएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और आपको मैं पहले इन्हीं कार्ड्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, आप अपने अपने कार्ड्स याद रखिए, ठीक है? तो डिटेल्स तो आपको मिलेंगे, कार्ड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कार्ड्स की स्लिप भी बना के रख सकते हैं, 44 स्लिप बना लीजिए, और अगर आपको अपने क्लाइंट्स को भी हील करना है तो उनको भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी,
आप किसी को भी हील कर सकते हैं, अपने घर के मेंबर को दे दीजिए कि ये प्रोसेस आप करो, कार्ड निकालिए आप उनको करिए। ये हमने एक एक कार्ड के साथ ही किया है। अब आप सोचिए एक कार्ड हमने 3 कार्ड या 4 कार्ड निकाले होते तो क्या होता, करें जी, बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है कि भाई ये भी है ये भी है, ये सबको मिलाकर के आपको एक्चुअली क्या करना है वो। क्योंकि इसमें क्या है, ये हमारा बेसिक रीडिंग मैं आपको करवा रही हूँ आज, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन है आप इस क्लास के साथ। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो और भी बहुत सारे एडवांस लेवल पे भी हीलिंग आप कर सकते हैं। जैसे 2-3 हीलिंग को मिला करके एक हीलिंग कैसे बनाना है हमको और कैसे देना है सामने वाले को, या हमें अपने लिए कैसे करना है, वो सब आपको पता चल जाएगा।